ये वीडियो हम लोग के बीकॉम सेमेस्टर 4 वालों के है, कॉस्ट अकाउंटिंग पार्ट 2। ये टॉपिक हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब टॉपिक समझ लेते हैं कि कॉस्ट एसर्टेनमेंट क्या होता है। एसर्टेन का मतलब होता है पता लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कराता है, कॉस्ट का पता लगाया जाता है कि कॉस्ट कहाँ कहाँ कितनी इंकर्ड हो रही है। अब ये लगाने की जरूरत क्या है, देखिए कॉस्ट का पता लगाने से फायदा ये रहता है कि कॉस्ट के बारे में जानकारी हो जाती है, तो कॉस्ट को थोड़ा कम करा जा सकता है, ठीक है। अननेसेसरी कॉस्ट को हटा सकते हैं, ठीक है, ये इसके लिए काम आता है। अब देखिए कॉस्ट कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी लगी है ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो ये कुछ तरीके होते हैं, कुछ वे होते हैं जिनके जरिए हम कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहला आ जाता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मतलब होता है कि आप देखिए एक्टिविटी के हिसाब से अलग अलग है। आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके हिसाब से कॉस्टिंग अलग होगी, आप प्रिपेयरिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से कॉस्टिंग अलग होगी, मतलब एक्टिविटी के हिसाब से कॉस्टिंग भी क्या होगी, अलग अलग होगी, ओके। इसके बाद अगला आता है यूनिट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग का मतलब होता है पर यूनिट के हिसाब से, मतलब जितना भी प्रोडक्ट आपने बनाया है उसके हिसाब से कितने कॉस्टिंग आ रही है। भाई एक पार्ले जी की बिस्कुट का जो प्राइस है वो 10 रुपया है, ठीक है, तो 10 रुपये क्या है, पर यूनिट पे है, ओके। अगला आ जाता है कि ऑपरेशन कॉस्टिंग क्या होती है। ऑपरेशन कॉस्टिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है, या रॉ मटेरियल लाना है आप लोग को, ठीक है, तो वो क्या है, एक तरीके से ऑपरेशन कॉस्टिंग होती है। अब माल को बनाना है, ठीक है, तो बनाने की जो लागत होती है उसे ऑपरेशन कॉस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग। डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग का क्या मतलब होता है, डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग। अब मान लीजिए एक कंपनी है, एक कंपनी का कोई एक डिपार्टमेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं सेल्स ले लेते हैं, तो ये जो सेल्स डिपार्टमेंट है इसकी कॉस्ट कितनी है, फाइनेंस है इसकी कॉस्ट कितनी है, एचआर है इसकी कॉस्ट कितनी है, मतलब डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट को अलग अलग कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर भी कॉस्ट को डिपार्टमेंट वाइज पता करा जा रहा है कि भाई सेल्स वाला कितना कॉस्ट कर रहा है, फाइनेंस वाला कितना कर रहा है, एचआर वाला कितना कर रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसके बाद अगला जाता है कि कॉस्ट रिकॉर्डिंग क्या होता है। देखिए कॉस्ट रिकॉर्डिंग का मतलब होता है, रिकॉर्डिंग तो आप नाम से ही समझ रहे हैं लेकिन ऐसा यहाँ पर पूरा मतलब नहीं है। देखिए कॉस्ट रिकॉर्डिंग करना तो है पर किस चीज़ का करना है, जो भी चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है उसका करना है। अब एक फैक्ट्री के अंदर कोई भी माल बनता है तो उसको हम लोग पर्टिकुलर टाइम पे या उसके स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते रहते हैं। अब रिकॉर्ड क्यों करते हैं, जिससे उसकी एक्चुअल पोजीशन पता लग जाए। आपको बता दें क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट बनने में अगर आप पॉइंट मतलब पैसे का भी कोई अगर आपने हिसाब गड़बड़ कर दिया तो वो जब भाई ज़्यादा यूनिट बन जाएंगे तब आपको लॉस हो जाएगा। इसके लिए बहुत कायदे से रिकॉर्डिंग करी जाती है यहाँ पर, ठीक है, ज़्यादा समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर कॉस्ट रिकॉर्डिंग के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है कि कॉस्ट होने के बाद लिखा जाए। अब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसमें बिजली लगी, अब मान लीजिए 2 यूनिट बिजली लगी तो उसका जो खर्चा है उसके बाद ही पता लगा, मतलब कोई भी चीज़ होने के बाद लिखना तो उसे बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट में कॉस्ट होने के बाद लिखते हैं, ओके। इसके बाद अगला आता है आपका पोस्ट कॉस्टिंग। पोस्ट कॉस्टिंग का मतलब होता है प्रोडक्शन होने के बाद पता लगाया जाए कि उस यूनिट का दाम कितना है। इसके बाद अगला आता है कंटीन्यूअस कॉस्टिंग। कंटीन्यूअस कॉस्टिंग का मतलब होता है कि प्रोडक्शन चल रहा है लेकिन प्रोडक्शन होने में कितना खर्चा लगा उसे क्या बोलते हैं, कंटीन्यूअस कॉस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन मान लीजिए चल रहा है तो प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस कॉस्टिंग बोलते हैं, याद रख समझ में आ रहा है। इसके बाद अगला आ जाता है कि कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है। देखिए नाम से पता लग रहा है कॉस्ट कंट्रोल। अगर आप लोगों से हम कह दें कि भाई 100 रुपये ही खर्चा करना है तो एक तरीके से क्या है, ये कॉस्ट कंट्रोल है, हम कॉस्ट कंट्रोल को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट कंट्रोल है इसके अंदर क्या होती है सिचुएशन कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या कोई मैनेजर होते हैं, ठीक है, या कोई CEO होते हैं, वो बता दें कि आप इससे ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट कंट्रोल बोलते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए पार्ले जी का बिस्कुट 10 रुपये का है, ये 10 रुपये आज भी है और ये तब भी था जब हम छोटे थे, है ना। तो ये 10 रुपये का जो प्राइस है ये वो क्या है, कॉस्ट कंट्रोल में आ रहा है कि वो कॉस्ट बदल नहीं रही है। हाँ वो अलग बात है कि उसकी क्वांटिटी कम हो रही है लेकिन कॉस्ट उतनी ही है उसकी 10 रुपये, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कॉस्टिंग के अंदर ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर कॉस्ट कंट्रोल, इसके कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला आ जाता है सेटिंग अप टारगेट। पहले टारगेट सेट कर लो, मान लीजिए हमको पार्ले जी का उदाहरण ले रहे हैं, आराम समझ में आ जाएगा। मान लीजिए 10 रुपये का हमको भाई बिस्कुट बनाना है, ये मेरा टारगेट है कि 10 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहला टारगेट सेट कर लिया 10 रुपया, ठीक। अगला काम मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, अभी के हिसाब से वो बिस्कुट कितने में बन रहा है, 12 रुपये में बन रहा है, तो ये क्या हो गया, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो अभी की चल रही है, ठीक है। इसके बाद अगला आ जाता है कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। एक्चुअल परफॉर्मेंस अभी कितनी चल रही है, 12 रुपया, और स्टैंडर्ड मतलब गोल कितना है, 10 रुपया, इसको पहले कंपेयर कर लो। कंपेयर कर लिया, इसके बाद अगला आता है फाइंडिंग आउट द डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है गलतियां पहचान लो। अब जो ये 10 रुपया है, 12 रुपया है, बीच में 2 रुपया बचा ना एक्स्ट्रा, ये 2 रुपये काहे के लिए आ रहा है,
इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फाइंड आउट द डेविएशन को यूज कर रहे हैं। तो डेविएशन का मतलब जो भी आपने भूल चूक करी हो भाई वो पता लगा जाए, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका टेकिंग करेक्टिव एक्शन। टेकिंग करेक्टिव एक्शन अगेंस्ट स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड पे आप क्या करेंगे, एक्शन लेंगे, आपने जो गलतियां करी उसको सुधारेंगे, ठीक है। कंट्रोल कॉस्टिंग के भी कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब होता है कि कॉस्ट के बिहेवियर को देखो, उसके चेंज को देखो। अब देखिए, आपको अगर कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कॉस्ट बदलती कब रहती है। जब जब बदलती रहती है इसका भी आपके पास एनालिसिस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला आता है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल का मतलब होता है कि जितना हमने बजट बनाया और जितना मेरी कॉस्ट हुई, इनके बीच में अंतर को देखता है ये, जिससे उसको सुधार सके, ठीक। इसके बाद अगला आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्या मतलब होता है, अब देखिए, जो डेविएशन अभी हमने बताया था, डेविएशन का मतलब गलतियां होती रहती है जो उनको सही करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है। अगला आ जाता है कि कॉस्ट एस्टिमेशन क्या होता है। देखिए, एस्टिमेशन नाम से पता लग रहा है कि प्री डिटरमाइंड जो होता हो भाई, आगे का जो कॉस्ट हम लोग निकालने की कोशिश करें उसे एस्टिमेशन कहते हैं। एक बिस्कुट बनने में कितना दाम लगेगा, एस्टिमेशन है, ठीक है। हम पहले से सोच रहे हैं, प्री डिटरमाइंड है, पहले से सोच रहे हैं तो पता लग जाएगा कि भाई कॉस्टिंग उसमें कितनी लगेगी, ठीक। अब इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन होती है कॉस्ट की, ठीक है। कॉस्ट को भी अलग अलग करा गया है, ठीक। कैसे, सबसे पहला आता है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब जो बदलती ना हो, जो फिक्स्ड रहती हो, उसे क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग। जैसे आपने बिल्डिंग खरीद लिया, आप बार बार नहीं खरीदोगे, एक ही बार खरीदोगे, है ना। इसके बाद अगला रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब जो बदलती रहे, जैसे वेरिएबल, मान लो लेबर है, लेबर बदलते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि फ्यूचर में अगर मान लीजिए पैसों की जरूरत लगती है, तब वर्किंग कैपिटल का क्या लगता है, यूज लगता है, ठीक है। क्या तो समझ में आ रहा है। अब ये हम लोग की आज की वीडियो है कॉस्ट अकाउंटिंग पार्ट टू की। इसमें भी काफी सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। अब आप लोग की पार्ट थ्री आएगी, उसका इंतजार करिए। आप लोग के लिए मेहनत लगातार चल रही है, तो इसके लिए वीडियो को शेयर करते रहिएगा। बाकी अगली वीडियो।